उत्तर प्रदेश के 2.44 लाख राज्य के कर्मचारियों का अगस्त महीने का रुका वेतन। अब आपके मन में सवाल होगा कि योगी सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा एक्शन, तो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को शासनादेश के जरिए सभी कार्मिकों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन करीब 2.44 लाख राज्य के कार्मिकों द्वारा अपनी संपत्ति की डिटेल न दिए जाने के कारण उनके अगस्त का वेतन रोक दिया गया है। हालांकि मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर स्थिति में मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति की पूरी डिटेल देने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय तारीख तक राज्य सरकार के 71% कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दी। शासन के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कार्मिकों का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और संपत्ति की पूरी डिटेल देने के बाद ही उनका वेतन दिया जाएगा। दूसरी ओर जानकारी सामने आ रही है कि डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजा है और कुछ समय का वक्त मांगा है। दरअसल मुख्यालय ने कहा है कि उनके कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कुछ और समय दिया जाए, क्योंकि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण तमाम पुलिसकर्मी समय से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि गृह विभाग के लिए ये तिथि बढ़ाई जा सकती है। मालूम हो कि प्रदेश में कुल 8,46,640 राज्यकर्मी हैं, इनमें से 6,02,075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का वितरण दिया है। संपत्ति का पूरा विवरण देने में सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, टेक्सटाइल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कार्मिक सबसे आगे रहे, तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए अव्वल नंबर पर रहे। फिलहाल इसमें बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के नाम सबसे आगे हैं। मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को शासनादेश जारी किया था और सभी कर्मचारियों के साथ ही विभागों को भी 31 अगस्त तक संपत्ति का पूरा विवरण देने के निर्देश दिए थे और इसी के साथ ही ये भी कहा था कि जो अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देगा उसे ही अगस्त माह में वेतन दिया जाएगा। मालूम हो कि 17 अगस्त को आदेश जारी होने तक 1,31,748 यानी 15% राज्य कर्मियों ने ही पोर्टल पर अपनी संपत्ति दर्ज की थी। 20 से 30 अगस्त के बीच ये बढ़कर 71% हो गई।